हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों की शिकायत आ रही है कि अभी भी हमें 10 Mbps और 8 Mbps की जो स्पीड है जो BSNL तो दे रहा है 1 नवंबर से, वो कुछ लोगों के पे आ रही है, कुछ लोगों के पे नहीं आ रही है। ठीक है, तो देखिए इसमें तो दो तीन पॉइंट हैं, वो ये हो सकते हैं। पहली चीज की जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो एक्सचेंज वाले हैं या जो हैं वो लोग मान नहीं रहे हैं कि 8 Mbps या 10 Mbps हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेटर तरीका है कि अगर उनको नहीं पता है तो उनको ये बता दें कि वो BSNL की जो साइट है आपकी, ठीक है, जो BSNL की साइट है उस पर जाके उनको प्लान दिखा दीजिए कि भैया ये देखिए 8 Mbps और 10 Mbps में अपडेट हो गया है। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कुछ जगहों पर देखिए अलग अलग, जैसे आपके यहाँ पे जो भी इंटरनेट आता है वो डिफरेंट स्विचेस से आता है, कई जगह पे NGN से आता है, कहीं पे नोकिया सीमेंस से आता है, कहीं पे ZTE से आता है। ठीक है, तो सारी चीज़ों की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, तो उससे आप लोगों का मतलब नहीं है। तो देखिए जहाँ पे हो गया है वहाँ पे बेटर है, बाकी देखिए जैसे कुछ जगहों पर जैसे जहाँ पे नहीं हुआ है आपकी 10 Mbps और 8 Mbps की, तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहली चीज़ वैसे तो सबको पता ही रहता है, लोगों को टहलाने वाली बात है कि लोगों को जो भी अधिकारी होते हैं उनको पता ही होता है कि 8 Mbps 10 Mbps हो गया। इनकेस अगर वो मना करते हैं तो आप उनको BSNL की साइट दिखा दें। दूसरी चीज़ इसी में ये हो सकती है आपकी कि कई, जैसा मैंने आप प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आपकी जो स्पीड है जब वो बढ़ाई जाती है तो जो SNR वगैरह जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो कुछ डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में कोई मतलब गड़बड़ी ना हो तो इसके लिए टेस्टिंग भी चलती है। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए अगर कई बार SNR जब आपकी कम हो जाएगी तो आपका जो पता है आपको जो DSL या लिंक आता है उसके में उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके में। ठीक है, तो हो सकता है कि वो चीज़ की टेस्टिंग चल रही हो, तो ये चीज़ जो है कि भैया ऐसा कुछ हो रहा है या ये चीज़ कब तक हो जाएगी, तो जो भी आपका एक्सचेंज है जहाँ से आपका नंबर चलता है, ठीक है, जो भी आपकी एक्सचेंज है वहाँ से आप एक बार पता कर सकते हैं कि भैया ये कब तक हो जाएगा या क्या प्रोसेस है, टेस्टिंग चल रही कि नहीं चल रही। और दूसरी चीज़ एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जैसे आपकी जो लाइन है, ठीक है, जो आपके घर तक टेलीफोनिक लाइन पहुंच रही है जिसके थ्रू आपका इंटरनेट चल रहा है, हो सकता है उसमें कहीं पर गड़बड़ी हो, उसकी वजह से जो पैरामीटर्स हैं वो डाउन हो जा रहे हो। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो है एक बार जो भी स्टेटस होता है, ठीक है, मॉडम के अंदर सेटिंग्स में मैंने अपने वीडियोज़ में बता रखा है, तो वहाँ पर जाके आप ये डेटा रेट या रेट जो आपका KBPS में लिखा हुआ होगा वो एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर वो आपका क्या कहते हैं डाउन स्ट्रीम में जैसे 8545 या 10505 या 11405 ऐसे करके लिखा हो तो समझे कि मतलब आपकी 8 Mbps की प्रोफाइल लग गई है, ये दोनों लग गई तो समझ लीजिए कि 10 Mbps की प्रोफाइल लग गई है। ठीक है, तो ये चीज़ चेक हो सकती है। और बाकी हो सकता है कि पैरामीटर अगर ये चीज़ सही नहीं मिलेंगे तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं जो है वो लाइन में भी दिक्कत है आपकी। अगर आपके में जैसे 4095 लिख के आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपके में 4 Mbps की प्रोफाइल लगी है, तो एक्सचेंज की साइट से भी होनी, जैसे 2047 आ रही है तो समझ लीजिए कि आपका 2 Mbps की प्रोफाइल लगी है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में जो ये डेटा रेट लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी यही है कि आप जो नीरेस्ट एक्सचेंज है उसमें एक बार पूछ लीजिए, हो सकता है कि वहाँ पे टेस्टिंग वगैरह का काम जो है वो चल रहा हो, ठीक है, स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक भी यह जानकारी पहुँचाइए। धन्यवाद।